नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम प्रोस्टेट कैंसर के बारे में डिस्कस करेंगे जो ओल्ड एज यानी 50 से 70 साल के पुरुषों में बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है। यह कैंसर हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड में उत्पन्न होता है जो हमारे मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे उपस्थित होता है। बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड सेमाइनल फ्लूड को बनाती है जो मूत्र नली के रास्ते से निकलने वाले स्पर्म यानी शुक्राणुओं को चिकनापन प्रदान करती है, जिसके द्वारा शुक्राणु आसानी पूर्वक मूत्र नली या पेनिस से बाहर निकल पाते हैं। लेकिन जब इस ग्लैंड में कैंसर उत्पन्न हो जाता है तब उस केस में सेमाइनल फ्लूड सही तरीके से नहीं बन पाता है, जिसके द्वारा हमारी मूत्र नली अच्छे तरीके से चिकनी नहीं हो पाती है और शुक्राणुओं को बाहर निकलने में दिक्कत होती है तथा उस पेशेंट को यूरिनेशन के समय जलन होती है तथा उसको हमेशा ऐसा लगा रहता है कि हमको पेशाब लगी हुई है। लेकिन जब वो पेशाब करने के लिए जाता है तब उसको पेशाब सही तरीके से नहीं हो पाती है। ऐसा उसकी प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर उत्पन्न होने के कारण हो सकता है। इसके कुछ और सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे पेल्विक पार्ट में दर्द, भूख कम लगना, हड्डियों में दर्द तथा साथ ही साथ फीवर आ जाना। दोस्तों, यदि हम इसके काजेज के बारे में डिस्कस करें तो अभी तक इसका कोई स्थायी कारण नहीं पता चल पाया है, लेकिन कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि यह कैंसर प्रोस्टेट ग्लैंड को बनाने वाली कोशिकाओं के अंदर उपस्थित डीएनए के बदलाव के कारण होता है। कभी कभी कुछ पेशेंट में ये प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत ज़्यादा फूल जाती है यानी उसमें सूजन आ जाता है। उस कंडीशन को बीपीएच यानी बैजिन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के नाम से जानते हैं। अगला वीडियो हमारा इसी के ऊपर आएगा, इसके ऊपर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि हम इसके मॉर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर के बारे में डिस्कस करें तो इसकी मॉर्टेलिटी रेट बहुत ही कम होती है यानी इस कैंसर के द्वारा लोगों की मृत्यु बहुत ही ज़्यादा कम होती है, लेकिन इसकी सर्वाइविंग रेट बहुत ही ज़्यादा है। इसकी सर्वाइविंग रेट लगभग 95 से 96% है यानी 96% ऐसे होते हैं जो इस कैंसर के होते हुए भी 10 से 15 साल तक जीवित रह पाते हैं, उसके बाद उनकी डेथ होती है। तो आप इससे आंकड़ा लगा सकते हैं कि इसकी मॉर्टेलिटी रेट बहुत ही ज़्यादा कम होती है। यदि हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में 1 साल के अंदर इस कैंसर के द्वारा 10 लाख लोग यानी 1 मिलियन प्यूपिल ग्रसित हो जाते हैं। यदि हम 2022 के आंकड़ों की देखें तो हमारे इंडिया में 34,945 लोगों की इस कैंसर के द्वारा मृत्यु हो गई है जो पूरी मृत्यु दर का 0.37% है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेक्चर, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तब इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप बेझिझक नीचे कमेंट करिए, उसका रिप्लाई मैं दूंगा। और आप अगला वीडियो किस बीमारी पे चाहते हैं, अगला वीडियो आप किस डिजीज के ट्रीटमेंट के बारे में चाह रहे हैं, अगला वीडियो आप किस जड़ी बूटी के फायदे के बारे में चाह रहे हैं, आप नीचे कमेंट करिए, उसका रिप्लाई मैं दूंगा और आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।